चैनल विद अ न्यू व्लॉग। सो गाइस, अभी हम शादी में जा रहे हैं, बारात आने वाला है दीदी का, तो उसी में जाने वाले हैं। तो रेडी हो गए हैं, बाल बनाना बस बाकी है। अभी दोपहर का टाइम है और बाबू अभी सोया हुआ है। उसके पापा, आज एक्चुअली संडे का दिन है ना, तो उसके पापा है, तो इसीलिए हम जा रहे हैं कहीं घूमने। उसके पापा नहीं रहते तो शायद रेडी होने के लिए भी हमको दिक्कत होता और नहीं जा पाते, तो इसीलिए छुट्टी का फ़ायदा उठा रहे हैं और हम जा रहे हैं शादी में नाचने। बाबू के साथ पहली बार किसी शादी में जा रहे हैं, तो चलिए आप लोग बने रहिएगा। तो हम देखिए, ये पर्पल साड़ी पहने, जल्दी ही बन गया साड़ी, बस बाल गीला है, इसलिए हम बाल नहीं बनाए, खोपा बनाएंगे सोच रहे हैं, गजरा लगाएंगे इसलिए। तो और सिंपल ही तैयार हुए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं। मम्मी जल्दी जल्दी रेडी होने बोल रही थी तो हम जल्दी रेडी हो गए, पर मम्मी खुद ही रेडी नहीं हुई, खोपा बना रही है, अपना बाल बना रही है। तो यहाँ से हम जाएंगे मम्मी के पास, हबी छोड़ देंगे, तो फिर वहाँ से फिर जाएंगे हम लोग। जाने वाले हैं आंजन, आंजन हम पहले कभी नहीं गए हैं। आंजन तो बहुत फेमस जगह है गाइस, आप लोगों को पता ही होगा, आंजन धाम जगह है और हनुमान भगवान का जन्म स्थल। तो हम कभी गए नहीं है वहाँ, मंदिर है, मंदिर नहीं गए हैं, तो पहली बार जा रहे हैं पर मंदिर नहीं जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं हुआ का घर। तो बस आप लोगों को फुल रेडी होके दिखाएं, चलो दिख रहा है। तो कपड़ा सब धोए हैं, कंबल सब धोना बाकी है, ये सब पार्टी के दिन का ही कुछ गंदा था तो ये धोए हैं पहले, कुछ दिन पहले दो तीन बड़ा बड़ा कंबल सबको धोए, ठंडा वाला कंबल सब जो ओढ़े थे वो सब बाकी है, सब वॉशिंग मशीन में धुलेगा इस बार, वॉशिंग मशीन हुआ तो इजी हो गया। तो और दो और क्या बताए, बहुत अभी मौसम अच्छा है गाइस, ज़्यादा धूप भी नहीं है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, तो इसीलिए जाने में अच्छा लग रहा है। चलिएगा तो लोग बने रहिएगा, हम आपको दो फूल दिखाते हैं हमारे गार्डन में, बहुत अच्छा खिला हुआ है रोज़, देखिए आप लोग, ये देखिए, ये है रेड कलर का रोज़, सुंदर है ना गाइस। पूरा रेडी हो चुके हैं और देखिए पोखलू को अधिक किए हैं, नींद से उठ गया, नौ उठू, अब खोपा बना लिए गाइस, ऐसे खोपा बनाए, कैसा लग रहा है गाइस हम कमेंट कीजिए, पहली बार हम खुद से इतना जल्दी रेडी हुए ये साड़ी जल्दी बन जाता है इसीलिए। पोखलू 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 उठ गया, उठ गया, उठ गया। चलिए गाइस निकलते हैं हम लोग। हाँ, बाबू नानी का गोदी में बैठ गया, ले क्यूटी क्यूटी, कितना क्यूट दिख रहा है ले। उधर देखो, मम्मी तरफ देखो, उधर उधर Get flat 50% off on food orders and delivery fees. Order now.
4 महीना साढ़े चार हो गया। इधर देखो नानी को, रोज देखोगे नानी को देखोगे। पूरा ढलान है। हे गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं आंजन और अभी नदी तरफ घूमने जा रहे हैं। यहाँ पे खटवा नदी है ना, आंजन आंजन धाम से ही निकला हुआ लग रहा है। इधर पहाड़ है, वहीं से नदी निकला हुआ शायद, वही नदी है। तो अभी तो उतना पानी नहीं है, कम ही पानी है। इधर देखिए हरा भरा सीन है, इधर पहाड़ है, नहा धो रहे हैं सब। यहाँ पे एक मंदिर है गाइस, इसी से होकर शायद ऊपर पहाड़ में है आंजन धाम। टाइम का कमी हो रहा है, टाइम का कमी हो रहा है, वरना हम लोग चले ही जाते। हम लोग आंजन धाम थोड़ा ऊपर है बोल रहे हैं तो थोड़ा दूर ही है। यहाँ पे हरा भरा सीन है, फोटोज ले लेते हैं। बच रहे हैं हम लोग बारिश में, बाकी लोग आगे चले गए सर। जोर से बारिश हो रहा है, बहुत जोर से, हम लोग सब फंस गए हैं। मम्मी नाचने जाने की तैयारी कर रही है पूरा। हाँ ढक दो, ढक ढक कुछ उठा खोल खोला पानी खत्म, टांग लो हाथ। Thank you.
हाथी तो छिक देता है आगे से, सामने से खींचो ना जाके तो। Thank you.